बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इमेज फिल्टरिंग क्या होती है और इमेज फिल्टर्स जो हैं, जो खास का जो ब्लरिंग फिल्टर है उसको फिलोप में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो फिल्टरिंग क्या होती है, एक्चुअली इमेज जो फिल्टरिंग क्या होती है, ये मॉडिफिकेशन होते हैं इमेज में, या इमेज को इन्हेंस किया जाता है या इसको मॉडिफाई किया जाता है। इमेज प्रोसेसिंग के अंदर जो फिल्टरिंग है वो यूज होता है स्मूथिंग के लिए, शार्पनिंग के लिए और एज एनहेंसमेंट के लिए। मतलब कोई किसी भी इमेज के ऊपर आपने एनहेंसमेंट करनी है, खासकर स्मूथिंग करनी है, एज एनहेंसमेंट करने हैं, तो हम फिल्टरिंग का यूज करते हैं। जो फिल्टरिंग होती है वो एक नेबरहुड ऑपरेशन होता है। मतलब क्या होता है कि जो पिक्सल्स होते हैं, जो नज़दीक के पिक्सल्स होते हैं, जो कोरस्पॉन्डिंग पिक्सल्स होते हैं, उनको देखते हुए नए पिक्सल्स जो हैं वो क्रिएट किया जाते हैं आउटपुट इमेज के अंदर। पिक्सल्स नेबरहुड क्या होती है, जो रिलेटिव पिक्सल्स होते हैं, जो नज़दीक के पिक्सल्स होते हैं, उनके मुताबिक एक नया पिक्सल डिफाइंड किया जाता है। तो ब्लरिंग जो है एक फिल्टरिंग की टेक्निक है। इससे क्या होता है, स्मूथ किसी भी इमेज को स्मूथ किया जाता है या इसके आउटलायर जो पिक्सल से उनको रिमूव किया जाता है, नॉइज को रिमूव किया जाता है। जो ब्लरिंग है वो एक लो पास फिल्टर का एग्जांपल है। कंप्यूटर विजन या कंप्यूटर इमेज प्रोसेसिंग के अंदर लो पास फिल्टर जो क्या करते हैं, वो रिमूव करते हैं नॉइज को, किसी भी इमेज में जो है नॉइज है उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक टेक्निक होता है एज डिटेक्शन। जब भी आपने एज डिटेक्शन करना हो तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिल्टरिंग करते हैं इमेज की फिल्टरिंग। गॉसियन ब्लरिंग जो है वो एक टेक्निक है ब्लरिंग में, ब्लरिंग का जो यूज किया जाता है गॉसियन फंक्शन को, जो एक एक मैथमेटिशियन था जिसने फंक्शन क्रिएट किया था गॉसियन फंक्शन, तो इसको यूज करते हुए ब्लरिंग की जाती है। क्योंकि जो गॉसियन फंक्शन है वो लीनियर अलजेब्रा में यूज होता है, मैट्रिसेस के ऊपर खासकर, तो क्योंकि इमेज जो होते हैं वो एरे की फॉर्म में सेव होते हैं, जो एरेज होते हैं वो मैट्रिसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इमेज ये एक एग्जांपल है, इसको हम लोग पाई चार्ट के अंदर ओपन करके चेक करेंगे। तो पाई चार्ट को ओपन करते हैं हम लोग, तो पाई चार्ट ओपन हो गया। हम लोगों ने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया है ब्लरिंग का, और इसके अंदर हमने दो इमेजेस भी पहले से सेव कर दिए। तो इसी फोल्डर के अंदर एक हम लोग फाइल बनाएंगे, पाइथन फाइल ब्लर ब्लरिंग, हमने फाइल क्रिएट किया। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, फ्रॉम अपल इंपोर्ट इमेज कॉमा, हमने एक और क्लास इंपोर्ट करना है जिसको बोलते हैं इमेज फिल्टर, तो ये क्लास भी हमने इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हम एक इमेज ओपन करेंगे, इमेज इज इक्वल टू इमेज डॉट ओपन। तो हम किसी भी इमेज को ओपन करें, तो हमारे पास एक रॉकेट है और एक सिंपल इमेज है, तो हम किस क्या करेंगे, रॉकेट को ओपन करके चेक करते हैं कि इसके ऊपर फिल्टर कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। रॉकेट हमने ओपन किया, तो अभी इस इमेज के ऊपर हमने क्या करनी है, फिल्टरिंग करनी है आईएमजी ऑब्जेक्ट के पास। तो इस आईएमजी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फिल्टर लगाएंगे, तो इसको जब आईएमजी के ऊपर हम फिल्टर लगाएंगे तो क्या करेगा, रिजल्ट एक और इमेज आएगा, तो उसको हम सेव करेंगे आईएमजी अंडरस्कोर ब्लर के अंदर इज इक्वल टू आईएमजी डॉट फिल्टर ब्रेकेट के अंदर कौन सा टेक्निक ऑफ फिल्टरिंग लगाएंगे, तो हम कहेंगे इमेज फिल्टर डॉट ब्लर। फिर इस दोनों इमेज को शो करके चेक करेंगे रिजल्ट्स, तो आई एम जी डॉट शो, इसी तरह आई एम जी अंडरस्कोर ब्लर डॉट शो, दोनों को ओपन करके चेक करेंगे कि इनका रिजल्ट क्या आ चुका है। तो रन, हम ब्लरिंग को रन कर देंगे, तो आप थोड़ा इफेक्ट देखें, देखिए ये जो पहले सॉलिड लाइन थे, यहां पे अगर हम थोड़ा जूम करके इसको चेक करें
और इसको भी जूम करके चेक करें तो आप देखें थोड़ा ब्लर जो है, देखिए स्मूथ हो चुके हैं लाइन, यहाँ पे एज जो है इनके स्मूथ हो चुके हैं। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ दोनों इमेज को। मैं जो इमेज अभी अप्लाई करूँगा दूसरा सिंपल इमेज, तो यहाँ पे जस्ट मैं ये जो पाथ है इसको चेंज करूँगा सिंपल इमेज, इसको लगा के चेक करते हैं, देखते हैं रन, ब्लरिंग को रन करेंगे। तो आप यहाँ पे आप देखें ये थोड़ा ब्लर हो चुका है। अगर आपको अभी तक तो रिजल्ट नहीं आ रहा है समझ, तो हम एक और इमेज ओपन करके चेक करेंगे। इस मरतबा में क्या करूँगा, जो लास्ट टाइम हमने मेसी का, मेसी वाला जो पिक है इसको ब्लर करके चेक करेंगे। कॉपी किया मैंने यहाँ से इसको गेम फोल्डर के अंदर, ब्लरिंग यहाँ से उस इमेज को मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमने मेसी को ओपन कर दिया, अभी इसको हमने रन कर दिया। तो अभी ये देखिए आपको इसमें इस पिक्चर में साफ नजर आ रहा है कि ये जो इमेज है ये ब्लर हो चुका है, ये आपका ओरिजिनल इमेज है और ये आपके पास ब्लर इमेज है। मतलब अगर इसको थोड़ा यहाँ पे देखें, तो आपने जब मेसी को ओपन किया तो आपके पास ये इमेज आ गया, इस इमेज को शो किया तो आपको ये रिजल्ट आ गया। जब आपने इमेज के ऊपर कुछ फिल्टर लगाए, जो फिल्टर लगाए तो ब्लर का, तो आपके पास जो इमेज सेव हो गया इमेज अंडरस्कोर ब्लर के अंदर, जो कि ये आपको नजर आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल था आपके पास ब्लरिंग का। थैंक यू वेरी मच। तो हम नेक्स्ट किसी और पिलो के ट्यूटोरियल में मिलेंगे इंशाल्लाह।